नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। वेलकम यू ऑल इन डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है, आरआईएमसी के ऊपर ये वीडियो है। बेसिकली पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जो जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों को आरआईएमसी में भेजने के लिए, या जो अभी से सोच रहे हैं, जिनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं, सेकेंड में हैं, फर्स्ट में हैं, ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और कब वो सही टाइम है जब वो बच्चों को आरआईएमसी की तैयारी करवाएं। बेसिकली जो गाइडेंस है, जो प्रोफेशनल गाइडेंस है, वो कब से देना ज़रूरी है, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है सूरज आर्या एंड आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो एक कॉन्वर्सेशन रहेगा पेरेंट्स के साथ, इसको मैं शुरू करता हूँ एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक पेरेंट्स मेरे पास आए, बेसिकली माता जी मेरे पास आई थी एक बच्चे की, जिनका बच्चा 2 साल का था, और वो मुझसे ये पूछने आई थी कि मेरे बच्चे का पहला आरआईएमसी का अटेम्प्ट कब आएगा। कहीं से उनको पता चला होगा आरआईएमसी के बारे में कि बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है, एक सीट है हर स्टेट से, और एक बार बच्चा अगर आरआईएमसी ज्वाइन करता है तो उसकी लाइफ सेटल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए माता जी मेरे पास आई और उनको मैंने बताया कि 2031 में दिसंबर में बच्चे का पहला अटैम्प्ट है। तो वो बड़ा खुश हुई और उनको मैंने आगे की जर्नी भी बताई कि आपका क्या रोल रहेगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो जानना चलिए इंपॉर्टेंट है ही पेरेंट्स के लिए, लेकिन आपका क्या योगदान रहेगा बच्चे की ग्रूमिंग में, क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वो भी मैंने उनको पूरा बताया। तो वही चीज़ मैंने जब उनके उनसे डिस्कस करी तो मुझे लगा कि बाकी पेरेंट्स के साथ भी इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे तो कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बेसिकली ये एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन है। मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स उससे एग्री करते हैं वो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम आरआईएमसी के बारे में सोचते हैं या आरआईएमसी के बारे में अपने बच्चे को उस स्कूल में एनरोल कराने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें आरआईएमसी एग्ज़ाम के नेचर के बारे में समझना पड़ेगा। हमें आरआईएमसी के फंक्शन को भी समझना पड़ेगा कि वो एक फीडर इंस्टीट्यूट है जो चाहता है कि बच्चे आर्म्ड फोर्सेज में जाएँ। ओके, तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आगे आर्म्ड फोर्सेज में जाए तो आपके लिए आरआईएमसी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप आरआईएमसी के लिए बच्चे को तैयार कर सकते हैं। दूसरा, मैंने बोला था कि आपको आरआईएमसी के एग्ज़ाम के नेचर को भी समझना पड़ेगा। दरअसल बड़ा ही रिग्रेस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सीट्स बहुत लिमिटेड है, बड़ा अच्छा लेवल का बच्चों से इंग्लिश, मैथ्स और जीके इसमें पूछा जाता है। जब इतना अच्छा लेवल का पूछा जाता है तो कैसे बच्चे को हम बचपन से ग्रूम करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अगला पॉइंट है, अगर आप इसके नेचर को समझ जाएं तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स और जीके, और इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स में बच्चे को आपको बचपन से ही ग्रूम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लास फर्स्ट से आप बच्चे के ट्यूशंस लगवा दीजिए या उनको कहीं कोचिंग में भेज दीजिए, नहीं। यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं ना कहीं आपको बचपन से बच्चों को ग्रूम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ करंट अफेयर्स, कुछ जीके के फैक्ट्स बच्चों को बताने पड़ेंगे ताकि बच्चा अवेयर रहे। बचपन से आपको उसको फीड करना पड़ेगा, उसको आर्म्ड फोर्सेस के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा ताकि बच्चे का इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन भी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जाए। ओके, तो ये पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर बनता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को खुद भी पढ़ना पड़ेगा काफ़ी, ताकि आरआईएमसी के बारे में या आर्म्ड फोर्सेस के बारे में काफ़ी नॉलेज गेन कर पाए। मैंने कुछ पेरेंट्स से बात करी, जैसे दर्शील नियोग है, दर्शील नियोग के फादर जब मेरे से बात उन्होंने करी थी तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो बच्चों को मोटिवेट करते थे, उनको वॉर मेमोरियल घुमाने बच्चों को ले जाते थे जब बच्चे छोटे थे, कैसे उनको आरआईएमसी लाए, उनको कैसे उनको आरआईएमसी में उन्होंने बाहर से आरआईएमसी दिखाया, आईएमए बाहर से ही सिर्फ, क्योंकि सिविलियंस का तो अंदर इस्टेब्लिशमेंट में जाना अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से बच्चे को देहरादून स्पेशली वो आए ताकि बाहर से आरआईएमसी देख सकें, बाहर से इंडियन मिलिट्री एकेडमी देख सके। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बच्चे को बचपन से ग्रूम कर रहे हैं। ओके, और इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स में अगर आपको बच्चों को तैयारी करवानी है तो कैसे आप बचपन से ग्रूम करेंगे, इवन इंग्लिश में भी। ठीक है, अगर पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो थोड़ा सा तो उनको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा कि बेसिक इंग्लिश उनको आ जाए ताकि वो बचपन से फीड करें। ठीक है, खासकर मैं ऐसे पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करी जाती है तो आप प्लीज़ बच्चों से कम नॉर्मल हिंदी में बात करें, क्योंकि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज तो सीख ही जाएगा, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करेंगे। जैसे बेसिकली मैं हरियाणा के लोगों की बात करूँगा, जैसे बच्चे हरियाणवी टोन में बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि घर में पूरा माहौल है,
इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को काम करना पड़ेगा, पेरेंट्स को अगर वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते कम से कम हिंदी में बात करें बच्चों से, ताकि उनको हिंदी प्रॉपर बोलनी आए, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज तो अपनी वो सीख ही जाएंगे। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी मैंने देखा है कहीं ना कहीं वो रीजनल टोन बच्चों के अंदर आता है, तो उसी रीजनल टोन को ओवरकम करने के लिए ही काफ़ी समय हमें बच्चों के साथ लगता है। तो ये बचपन से पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से बच्चों को हमें ग्रूम करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मैंने बताया कि आप कैसे बचपन से ग्रूमिंग करोगे, कैसे उनको डिफेंस बेस्ड इस्टेब्लिशमेंट्स दिखाओगे ताकि बच्चे मोटिवेट हों, ओके, और कैसे धीरे धीरे जनरल अवेयरनेस की चीज़ें, कुछ करंट अफेयर्स बच्चों को बता दिए, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है हमारे, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी का क्या रोल है, नेवी का क्या रोल है, कोई वीडियो उनको दिखा दिया, कोई फिल्म उनको आर्मी बेस दिखा दी, तो ये सारा रोल पेरेंट्स का बनता है। इसके बाद जो सबसे सही एज है, देखिए बच्चा, बच्चे का एक फाउंडेशन बन जाएगा क्योंकि पेरेंट्स ने गाइड किया उनको, और कहीं ना कहीं उनका एक इंक्लिनेशन बन जाएगा टूवर्ड्स आर्म्ड फोर्सेज, ओके। और जैसे ही बच्चा फिर फोर्थ में आता है, फिफ्थ में आता है, ठीक है, मैं तो वैसे फोर्थ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि फोर्थ से ही बच्चे के करिकुलम में कैलकुलेशंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो और वही बेसिक है बेसिकली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सो राइट फ्रॉम फोर्थ क्लास आपको कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल गाइडेंस देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स में जाते हो जहाँ पर सारा माहौल अच्छा है, बच्चे को रखने का तरीका अच्छा है, एक ओवरऑल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा है, देखिए सिर्फ एकेडमिक्स देखना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बता दूँ जब बच्चा किसी भी कोचिंग सेंटर में जाता है तो एकेडमिक्स के साथ साथ एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को हमें फौज में डालना है, हम सिर्फ उसको रिटन एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहे, हमें उसकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी। तो ये पेरेंट्स को देखना पड़ेगा जिस कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, क्या वो उस ओवरऑल पर्सनैलिटी पे फोकस कर रहे हैं या सिर्फ वो एकेडमिक्स में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स का मेन पर्पज़ क्या होता है कि वो बच्चा सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। बहुत कम कोचिंग सेंटर्स हैं जो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या हमारे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में काम हो रहा है। अब जो पेरेंट्स बच्चों को कोचिंग सेंटर्स नहीं भेज सकते तो कहीं ना कहीं उनको एक प्रोफेशनल ट्यूटर हायर करना पड़ेगा बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चों को गाइड कर सके, क्योंकि गाइडेंस के बिना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो यही वो पीरियड है फोर्थ से लेकर क्लास सिक्स तक, जहाँ पर बच्चे का फाउंडेशन बनता है, ठीक है। और ये फाउंडेशन पेरेंट्स को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाउंडेशन के लिए उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि वो इंडिविजुअली एक बच्चे के पीछे पड़ जाए, ठीक है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने जॉब्स में इन्वॉल्व हैं, मदर को खासकर बहुत सारी चीज़ें, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी पड़ती है, तो उनके लिए ये फिजिबल नहीं होता, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को एकेडमिकली आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो वो गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छे ट्यूटर से या किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से मिल जाएगी। सो राइट फ्रॉम फोर्थ आप बच्चे की तैयारी कराएं, क्योंकि फोर्थ एक साल या दो साल बच्चे के फाउंडेशन बनने में लगेगा, और एक बार फाउंडेशन बन जाए तो फिर आगे की तैयारी ईजी हो जाती है। और सिक्स्थ में ही बच्चा अपना आरएमसी का पहला अटैम्प्ट भी देता है, तो पहले अटैम्प्ट के साथ वो काफ़ी कुछ सीखेगा। वैसे तो बहुत कम केसेस में देखा गया है कि पहले ही अटैम्प्ट में बच्चा क्वालिफाई हो जाए आरएमसी, लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस बच्चे को दी जाए, प्रॉपरली उसको ग्रूम करा जाए, तो ये पॉसिबल है, पहले अटैम्प्ट में बच्चा आरएमसी क्वालिफाई कर सकता है। मैक्सिमम तीन अटैम्प्ट मिलते हैं बच्चे को, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आप ज़रूर पहले आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि मेरे बच्चे के पास कितने अटैम्प्ट्स हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम एक स्ट्रैटेजी बच्चे के लिए बना सकें, ओके। तो ये तो रहा एकेडमिक्स का पार्ट, साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर पेरेंट्स थोड़ा सा पीछे हटते हैं, ओके। तो मैं पेरेंट्स से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, फिजिकल फिटनेस एकेडमिक्स के बराबर ही है, दोनों इक्विवेलेंट हैं। अगर आप बच्चे को एकेडमिक्स के लिए फोकस करवा रहे हो और फिजिकल फिटनेस में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। आप ऐसी एकेडमी ज्वाइन करवाएं बच्चों को जहाँ पर कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस बच्चों को करवाई जाती हो, चाहे थोड़ा कम लेवल में ही हो, लेकिन फिजिकल फिटनेस मस्ट है बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप जब बच्चा आपके पास है, जब बच्चा राइट फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड या फर्स्ट टू फोर्थ जब बच्चा आपके पास है, इस वक्त आप बच्चे को किसी भी एकेडमी में ज्वाइन करवा सकते हो, बैडमिंटन खिलवा सकते हो, क्रिकेट खिलवा सकते हो, यहाँ से बहुत सारी क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर इनकलकेट होती है, टीम वर्क बेसिकली, जिससे हमारी फौज चलती है। जो टीम वर्क जो क्वालिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चलने वाले समय में, अगर बच्चा आगे एज एन ऑफिसर बनना चाहता है आर्म्ड फोर्सेस में, तो बहुत सारी वहाँ से क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर इनकलकेट होती है, कॉन्फिडेंस आता है, एक 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 हेल्दी बॉडी बच्चा अच्छा फील करता है, उसके अकॉर्डिंगली और अच्छी पढ़ाई कर सकता है, ठीक है, ओके। तो ये फिजिकल फिटनेस को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें, अगर आप फिजिकल फिटनेस को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके एकेडमिक्स में भी आप ही लोग इनडायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चा हेल्दी है
तो वो ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़ेगा और उसकी बॉडी उसको सपोर्ट करेगी और अच्छे लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने के लिए। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपको खुद अपनी फिटनेस में काम करना पड़े। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बहुत अनफिट हैं और बच्चों से बोल रहे हैं कि आप सुबह रनिंग के लिए जाओ। आपको जाना पड़ेगा बच्चों के साथ रनिंग करने के लिए। ओके, आपको कहीं ना कहीं उनके लिए बैडमिंटन खेलना पड़ेगा। ओके, तो ये सभी पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत पेरेंट्स से मिलता हूँ, ये खुद मैं भी कर रहा हूँ एज ए पेरेंट। मैं भी बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं भी रनिंग में जाता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा है, वो भी देख रहा है मुझे कि मैं कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिलता है बच्चे को। तो फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है उसको मैं बोलता हूँ टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए और वो बचपन से सीखते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन, टाइम की वैल्यू करना या उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो ये पेरेंट्स का रोल बनता है कि बच्चे के लिए किस तरीके का वो टाइम टेबल बना रहे हैं। ओके, और उस टाइम टेबल को कैसे बच्चा फॉलो करे। ठीक है, बच्चे का एक उठने का टाइम होना चाहिए। जब आप सुबह उठेंगे, बच्चे के साथ रनिंग जा रहे हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी उठेगा, अकॉर्डिंगली स्कूल जाएगा, घर आएगा। तो कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी आप कराएं बच्चों को कि जो टाइम टू टाइम फिक्स्ड हो। ठीक है, ताकि बच्चे को भी उस टाइम की वैल्यू हो। तो बच्चे को बचपन से ही अगर आप ऐसी ऐसी लाइफस्टाइल में डालेंगे जहाँ पर टाइम को वैल्यू दी जा रही है, तो वो खुद ही टाइम मैनेजमेंट सीख जाएगा। तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल है, यहाँ पर किसी कोचिंग सेंटर का रोल नहीं है। आप अचानक से किसी बच्चे को कोचिंग में डालोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि आपका बच्चा टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाए, डिसिप्लिन भी सीख जाए, काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, उसमें लंबा समय लगता है। जब आपके पास सबसे ज़्यादा समय जो है बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकता है। ठीक है, एकेडमिक्स खासकर मेजॉरिटी ऑफ द एकेडमिक्स फोकस करती है कि बच्चों का एकेडमिक्स अच्छा हो। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के एकेडमिक पार्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि RMC में एकेडमिक्स का लेवल बहुत अच्छा बच्चों से पूछा जाता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स का फिर से मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक टाइम मैनेजमेंट बच्चे का बचपन से अच्छा बनाना, ताकि आगे जाकर उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और बेसिकली टाइम की वैल्यू बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें अगर पेरेंट्स खुद अच्छे से टाइम को मैनेज करते हों और अपने टाइम से चीज़ें करते हों, तो बच्चा वो चीज़ सीखता है, धीरे धीरे उसमें इनकलकेट होता है। ठीक है, और अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि जैसे आप बच्चे को इनक्रेज करें, घर पे वो माहौल बनाएं, एनवायरनमेंट बनाएं, ठीक है, जिसमें बच्चा पढ़े। ओके, बेसिकली होता क्या है कि हम लोग तो क्या करते हैं कि टीवी देखते हैं और बच्चों से कहते हैं कि जाइए आप अपने रूम्स में पढ़िए। ठीक है, तो वो एक बहुत ही गलत तरीका है। बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम टीवी देखें और वो बच्चे पढ़ें। हमें पूरा माहौल बच्चे के लिए बनाना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और खुद और सब और माता जी को, पिताजी को, दोनों को बैठना पड़ेगा बच्चों के साथ। जब आप पढ़ोगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करोगे तो बच्चे भी फिर वो करेंगे। ठीक है, वो बच्चे फिर अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों का उस एनवायरनमेंट को बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपने उसको कुछ ऐसा एनवायरनमेंट दिया कुछ सालों में और आप अचानक से उससे एक्सपेक्ट करो कि बच्चा एकदम पढ़ाई करने लग जाए। वो आपको बिल्टअप करना पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज़ हैं जो माँ बाप बचपन से बिल्टअप करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ कैसे बिल्टअप करेंगे, आपको खुद करना पड़ेगा उनके साथ। तो अच्छा एनवायरनमेंट कब दोगे, जब आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, घर पे एक स्टडी टेबल होना चाहिए, एक लाइब्रेरी जैसा फील होना चाहिए, और आप अगर एक घंटा भी बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ेगा, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा है। ओके, और कहीं ना कहीं बच्चों को रिवॉर्ड देना भी ज़रूरी है। बच्चा अगर अच्छा करता है तो एनकरेजमेंट कैसे मिलता है बच्चों को, जब आप कुछ ना कुछ बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, अगर बच्चा कुछ मांग आपसे करता है तो आप कह सकते हैं कि आप पहले ये बुक पढ़िए, आप ये बुक पढ़ लेंगे तो मैं आपकी जो डिमांड है उसको पूरी करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कहीं ना कहीं बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा अगर मैं इस पूरी बुक को ख़त्म कर लूँगा। इस तरीके से बच्चे नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके से बच्चे अपने अपने कोर्स की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, या किसी टॉपिक को भी कंप्लीट कर सकते हैं ना। टॉपिक वाइज भी आप रिवॉर्ड बच्चों को दे सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के अंदर वो कंसिस्टेंसी लाने का और वो डेडिकेशन लाने का। और जो मेरा आखिरी जो मेरा पॉइंट है वो कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि माहौल पेरेंट्स ने उनको सिखा दिया है घर पे, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन और एनकरेजमेंट भी काफ़ी दिया है। लेकिन अगर ये चीज़ पेरेंट्स इसमें जो कंसिस्टेंसी अगर उसको रख पाएँ, ठीक है, जैसे RMC का नेचर आपको बताइए, RMC में सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो बड़ी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, तभी बच्चा आगे चांसेस ऑफ सिलेक्शन उसके बढ़ जाते हैं। तो फाइनल पॉइंट मेरा यही है कि अगर जो चीज़ हमने आपसे बात करी है, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, अगर इसमें बच्चे के अंदर कंसिस्टेंसी आ जाती है या इसको डेली बेसिस में बच्चे के साथ किया जाए तो डेफिनेटली उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओके, तो वो डेडिकेशन होना चाहिए ना, समर्पण होना चाहिए RMC के प्रति।
और बेसिकली देखिए, इंटरेस्ट कब आता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट तभी आता है जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली जब आप उनको RMC के बारे में बताओगे, आर्म फोर्सेस के बारे में बताओगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में बताओगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा। वो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि बच्चा खुद ही जो चाहेगा, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर कि आप क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हो बच्चों के सामने, आप बच्चों को बेसिकली क्या एक्सपोजर दे रहे हो, वहीं से बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर आप खुद से उनको छोड़ दोगे और आप सोचोगे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही रियलाइज़ करेगा उसका क्या एम होना चाहिए, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, या बहुत लेट रियलाइज़ करते हैं कि ये मेरा गोल है या ये मेरा फील्ड है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चे को अवेयर करें आर्म फोर्सेस के बारे में। अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं बच्चा आर्म फोर्सेस में जाए तो इट्स योर ड्यूटी। और वो जो कंसिस्टेंसी है, अगर वो मेंटेन हो जाए और वो जो डेडिकेशन बच्चों के अंदर आ जाए, तो निश्चय बच्चे की जीत होगी। ओके, सो आई होप कि आपको ये ओवरऑल सेशन मेरा अच्छा लगा होगा। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करी कि कैसे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेज में, क्योंकि उसके बाद बच्चा फोर्थ फिफ्थ से तो कोचिंग करना स्टार्ट करेगा, एंड दैट फोर्थ क्लास एंड दैट क्लास इज़ द राइट टाइम जब आप बच्चे की तैयारी RMC के लिए करवा सकते हैं। ओके, दिस इज़ द राइट टाइम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।